उमर रियाज के बारे में एक बार फिर टॉन्ट कसती हुई नजर आई है तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा को। आखिर क्या कुछ कह दिया है करण कुंद्रा को उमर के बारे में, चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, उमर रियाज से तेजस्वी प्रकाश को अब जो है प्रॉब्लम्स होने लगी थी जब चीज़ें थोड़ा सा अलग हो, यानी कि पहले जो थी दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड था, इवन इन तीनों की काफ़ी अच्छी तिगड़ी थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हुए नज़र आते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, तेजा को उमर का गेम पसंद आता था और ना ही उमर को तेजा का गेम पसंद आता था, यानी कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते थे, दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते थे और करण कुंद्रा बीच में पिस आ जाते थे। वेल, यही सारी चीजें जो है उमर के इविक्शन के पहले देखने को मिलती थी घर में। लेकिन हाल फिलहाल जो है तेजा ने एक बार फिर टॉन्ट कस दिया है करण कुंद्रा को उमर रियाज के बारे में। और ये क्या क्या कहा है तेजा ने, तो दरअसल हुआ ये था कि करण कुंद्रा जो है चाय बना रहे थे रश्मि देसाई के लिए। तो यहाँ पर तेजा आती है और बोलती है कि यार तू कितना स्वीट है, मतलब लाइक सीरियसली तू रश्मि देसाई के लिए चाय बना रहा है। तो करण ने कहा कि इसमें क्या हुआ, मैं बनाता हूँ चाय उसके लिए। यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश कहती हैं कि यार उमर रियाज ने कभी मेरे लिए चाय नहीं बनाई। वेल, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इंटेंशन जो था तेजा का उमर रियाज को गलत ठहराने का था, और ये था कि उमर रियाज हमेशा मुझे जो है वो छाड़ देता था और कभी उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर करण कुंद्रा जो है दोस्ती निभाते हुए नजर आए और हैं, और करण ने कहा है कि उमर हमेशा तेरे लिए चाय बनाता था, बस वो तुझे देता नहीं था, एक कप में भर के रख देता था, तू चाय नहीं पीती थी, ये बात अलग है। वेल, ये सारी चीजें बिग बॉस के घर में हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। बहुत जल्दी लाइव जो है बंद हो जाएंगी और वीकेंड के वार का शूट जो है वो शुरू हो जाएगा। आपकी क्या रिएक्शन रहा इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।